अभी ये हमारी डिश बन के रेडी हो गई है। देखिए ये जमावट। हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्योंकि आफ्टरनून हमेशा की तरह बहुत बुरा हो रहा है, लाइट ही नहीं आ रही है, क्यों पता नहीं चल रहा। चलिए अब आज को मैं आपको मीटर में दिखाती हूँ। अभी देखिए हमारा मीटर, उसमें कोई भी लाइट नहीं चल रही है। अगर लाइट होती है तो उसमें भी रोशनी रहती है, क्या लाइट वालों को हमसे परेशानी है पता नहीं चल रहा है। बंद कर। देखिए अभी ये हमारे न्यू भैया है, वो बत्ती लेके, दिन में भी बत्ती लेके, क्योंकि आजकल सबको बत्ती की आदत सी लग गई है, लाइट ही नहीं रहती। मैं बुद्धा हूँ तो कहूँ ये लाइट कब आएगी, मैं लाइट वालों को ठोक दूंगा भाई, मेरे को लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, वरना मैं मम्मी क्या कहूँ। ऐसा मत करो। अब बैठने के लिए ये चेयर लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर में तो हक नहीं है, बाहर जरा हक मिल जाएगी ये पवन का तो अच्छा। पसीने से रेप जेब है हम सब। चलिए तो आज हम दिखाती हूँ कि वो गायत्री और वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी मम्मी के साथ। चलिए तो आज मैं उसके पास आपको लेके जा। गर्मी तो हो रही है लेकिन वो धूप का कितना मजा ले रहे हैं वो दिखाती हूँ। वो ये देखिए हमारी गायत्री तो रेडी हो चुकी है नहा धो के। ये भी, इसका नाम क्या है? सुरेश। सूरज। सूरज, हम तो सुरेश समझ रहे थे। और ये भी यहाँ है, तो ये इनका घर परिवार है हमारे गायत्री का। अभी गायत्री तो यहाँ खेल रही है पानी के साथ, अभी इसको धूप भी नहीं लग रही और कुछ नहीं हो रहा है इसको। और यहाँ सब बैठे हुए हैं। अभी ये है उनका घर, हमारी गायत्री और सूरज का घर है ये। और ये ट्रैक्टर में उसका हिचका बंधा हुआ है। तो अभी हम गायत्री के पास गए थे, वो खेल रही है, थोड़ी मस्ती कर रही है। और ये अभी हमारी मूँगफली आप पीछे देख रहे हैं, ग्रो हो ही जा रही है, लेकिन अभी बारिश की सख्त ज़रूरत है। अभी देखिए यहाँ हमने थोड़े बहुत बैंगन के और टमाटर के रोप को बोया है, तो अभी ग्रो हो जाएंगे तब हम इसमें से बैंगन खा सकते हैं। और अभी ये देखिए भिंडा, इसे हम भिंडा कहते हैं। और आप इसे, और इंग्लिश में हम इसको लेडीज फिंगर भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हम गुजरातियों को ज़्यादा गुजराती बोलने की आदत होती है तो कभी कभार भूल जाते हैं। वैसे हिंदी में भिंडी भी कहते हैं, गुजराती में भिंडा और इंग्लिश में लेडीज फिंगर, ये सब। अभी यहाँ हमारी वाली गायत्री बैठी हुई है बहुत प्यार से, लेकिन मक्खियाँ उसको हक नहीं दे रही है। और ये लक्ष्मी भी देखिए, और छगुलाल का तो क्या कहना, आजकल मज़े ही मज़े हैं, खाना खाया और बैठे और धूम मचाते रहते हैं पूरा दिन। अभी देखिए यहाँ कोकोनट के ट्री पे कोकोनट है, लेकिन बड़े नहीं हो रहे, छोटे छोटे होके गिर जा रहे हैं। अभी ये रणजीत और रूप सिंह खड़की भारी लेके आए हैं, देखिए। और रूप सिंह को देख के ये देखिए हमारी गायत्री कितनी खुश हो गई। और सूरज तो चढ़ ही गए अपने पापा के पास, देखो उन्हें भी अपने पापा मिल जाने पर बहुत ही खुशी मिलती है। वैसे रूप सिंह पूरा दिन काम में लगा होता है, तो यहाँ खेत में कहीं और तो होता नहीं है घर पे, तो बच्चे भी उसके पापा को देख के बहुत ही खुश रहते हैं। जैसे कि नीव अपने पापा को देख के बहुत खुश होता है, तो वे ये समोसा और
पकौड़ा दो और दो पकौड़ा दे दो। अभी हमारे यहाँ ये सब फास्ट फूड वाले भैया आए हैं तो नीव के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी चटनी मिलेगी इसके साथ? मिलेगी, सब मिलेगी दीदी। तो अभी वो दे दिए, वो दे दो मैं साथ में, अभी पैसे में दे देती हूँ आपको। इन्हें काटूँ? हाँ, थोड़े गर्म कर दो। तो गर्म है अभी? अभी गर्म है, गर्म है अभी। अभी तो दे दीजिए। डिश बना दूँ ना? हाँ, डिश बना दो। आप हर रोज निकलते हैं यहाँ से? रोज निकलता हूँ, पर दावेली भी रखता हूँ। अच्छा, ये दावेली है ना, आज भानुवास से पाए नहीं आए थे इसके लिए। अच्छा, ठीक है, मीठी रखूँ? हाँ नहीं, मीठी ही रखिए। अभी ये भैया निकल रहे हैं हमारे लिए चटनी भी। अभी ये हमारी डिश बन के रेडी हो गई है। ये उस भाई को दे दो, अभी एक और प्लेट बना दो ना। समोसा अभी तीखी ना डालनी है इसमें, मैंने मीठी डलवाई है। अभी रंजीत को तो नहीं खाना है तो मीठी ही डालिएगा इसमें भी ना। अभी हमारे नीव भैया एक्साइटेड मूड में है। अभी पैसे दे दो, अभी इसमें सब कुछ डाल देंगे। अभी ये समोसा और पकौड़ा सबको खाना सबको है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे थे। अभी मैंने ले लिया तो ये बोल रहा है मेरे लिए लिया, मेरे लिए लिया। सब ने ले लिया और खाने बैठ। देखिए ये जमावट, कोई समोसा खा रहा है, कोई पकौड़ा खा रहा है, ये डिश पे डिश जा रही है। पैसे किसने दिए? माँ ने। आज सुबह रंजी काका के फोन में एक किसी लड़की का फोन आया। वो रंजी काका कुछ हुआ खेत में कुछ काम करे, वो पीछे पड़ गई। मतलब वो जो रंजी काका गेम खेलते फ्री फायर, उसमें डीजे अलग नाम कर, ये डीजे अलग की आईडी है ना, ये डीजे अलग की आईडी है ना, ये आईडी वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है ऐसा। अबे तू जा रे, डीजे अलग की अगर बड़ा सा यूट्यूबर होता तो हम अभी ऐसा रियलमी का फोन लेके यूं दौड़ता होता भाई। मतलब कुछ भी यार, ऐसे लोग से आप बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका फ्रेंड बना जाते हैं और आपकी यूआईडी भी चुरा जाते हैं जिसमें बहुत सारे डायमंड लगे हुए होते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये डीजे आलोक की आईडी है भाई। ये जो नीव बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आईडी से डायमंड बायमंड तो पता नहीं, लेकिन हमारी आईडी शायद फ़ोन की हैक कर सकते हैं। हमारे जो कुछ भी ज़्यादा बात करके हमें इम्प्रेस करके कुछ और भी हमसे बातें चुरा सकते हैं, हमसे उगवा, वो कहते हैं ना, उगला सकते हैं कुछ भी। तो उनसे ज़रा बच के रहिए, क्योंकि ये डीजे आलोक और वो अज्जू भाई, कैरी मेनाटी, ये सब बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और उनका नाम लेते ही बच्चे जोश में आकर पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। तो ज़रा उनसे बच के, क्योंकि आज रियल में ये फ़ोन आया था रणजीत के फ़ोन में, और रिसीव भी मैंने ही किया था क्योंकि रणजीत गया था खेतों में और मैं रिसीव करने गई तो मुझे लगा कि कोई कंपनी का फ़ोन है। तो मैंने जैसे ही रिसीव किया तो वहाँ से लड़की बोल रही थी और तीन बार ना कहा कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, नहीं तो बार बार मुझे कह रही थी कि नहीं ये डीजे आलोक की ही आईडी है, उनके ही नंबर है, मुझे बात कराओ। तो प्लीज़ ज़रा बच के। अभी आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।